आप लोग जानते ही हैं कि 23 नवंबर को एक कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के जो कमांडर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था बीएसएफ और आर्मी को कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ अपनी बात पे अटल रहता है। जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है, तो पाकिस्तान की तरफ से बीती कल के दिन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से राजौरी सुंदरबनी इलाके में फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ था, जिसके बाद एक बीएसएफ के जवान शहीद हो गए थे और एक जवान घायल। इसी के ही जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी व बीएसएफ की तरफ से राजौरी के पार पड़ता जो भी पाकिस्तान की पोस्ट हैं उनको निस्तो नाबूद कर दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सीज़ फायर उल्लंघन जिसके अंदर एक बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, उसके मुंह तोड़ जवाब में इंडियन आर्मी और बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान की 5 चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचा है। जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये वही पोस्ट है जहाँ से स्नाइपर हमले में हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनको शहीद हो गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, 23 नवंबर को दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्लैग मीटिंग हुई थी ताकि इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी, सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन किया, जिसके अंदर हमारे एक वेस्ट बंगाल के हमारे बीएसएफ के जवान बालाशिखा विलेज के रहने वाले ये वेस्ट बंगाल के जवान थे जो शहीद हो गए, जिनका कल भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई बीएसएफ कैंप जम्मू में, जिसके अंदर आईजी बीएसएफ ने भी राम अवतार ने ये कहा कि ये एक बड़ा ही कंडमनेबल तरीका है जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से रहता है, जिसके अंदर सीज़ फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब जल्द ही पाकिस्तान को भी मिलेगा। और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिला, और इस मुंह तोड़ जवाब के अंदर इंडियन आर्मी व बीएसएफ ने पाकिस्तान की 5 बड़ी चौकियों को ध्वस्त करके रख दिया है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुंचा उनकी चौकियों पर, जिसके अंदर इन्हीं चौकियों से लगातार पाकिस्तान जो है स्नाइपिंग करने की कोशिश करता है। और ख़ास करके ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीएसएफ के हमारे जवान शहीद हुए हैं ये भी इसी हमले में शहीद हुए हैं ख़ास करके। और इसके साथ साथ कश्मीर में भी उड़ी सेक्टर में भी जो सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ उसके अंदर भी एक जवान हमारे शहीद हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि अपनी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता, आखिरकार पाकिस्तान को एक करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है, हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से बीएसएफ की तरफ से एक करारा जवाब दिया गया है, जिस करारे जवाब के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 5 पाकिस्तानी चौकियाँ ध्वस्त कर दी गई हैं, जिसका एक करारा जो है कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को एक मौका दिया गया था कि वो अपनी इस तरह की नापाक हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन पाकिस्तान बाज आने वाली चीज़ों में से नहीं है, नापाक हरकतें जारी रखता है। हालांकि इमरान खान जितनी मर्जी भाषण में ये बोल दे कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन एक तरफ से ये बयानबाजी और दूसरी तरफ से हमारे जवानों को लगातार जो पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बाज नहीं आता तब तक ऐसा लगता नहीं है कि हिंदुस्तान जो है दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करता रहेगा तो हिंदुस्तान किस तरह से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बात तो करता है दोस्ती की लेकिन उसी बीच में लगातार फायरिंग के अंदर जो है टारगेट करता है हिंदुस्तानी सीमाओं को, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को, जिनका करारा जवाब तो पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, दोनों साइड के जो हमारे जवान हैं, चाहे वो पाकिस्तानी जवान हो या फिर हिंदुस्तानी जवान हो, दोनों साइड से
जवानों की जो है शहादत होती है, जिसके पीछे बड़ा जो खास करके बात की जाए, जिसके पीछे खामियाजा हमारी आर्मी को भुगतना पड़ता है या फिर पाकिस्तान के जो हमारे रेंजर हैं उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसी बीच में बड़ी बात यह है कि अगर दोनों देशों के बीच में सुख शांति रहे या फिर दोस्ती का माहौल रहे तो इस तरह की चीज़ नहीं देखी जाती। नुकसान दोनों तरफ होता है। जिस तरह से 5 चौकियां पाकिस्तान की ध्वस्त कर दी, इसी बीच में ये भी खबर आ रही है कि कुछ पाकिस्तान के रेंजर्स भी घायल हुए हैं और कईयों की मृत्यु भी हो गई है। इसके पीछे कारण है पाकिस्तानी ISI व पाकिस्तानी वो आका जो चाहते नहीं हैं यहाँ पर सुख शांति हो। आप लोग जानते ही हैं, 2 दिन पहले हाफिज़ सैयद ने एक आतंकवादी हाफिज़ सैयद ने एक स्पीच में, एक पब्लिक रैली में ये कहा कि हिंदुस्तान ये बताए कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिरकार किस इलाके में की थी। और जो आपने देखा ही है, जो एक मूवी बनी है सर्जिकल स्ट्राइक पे उड़ी, जिसका ट्रेलर अभी 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुआ है, पाकिस्तान को हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की उड़ी फिल्म ने हिला के रख दिया है। अभी तो फ़िलहाल एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जब पूरी मूवी रिलीज़ होगी तो पता नहीं पाकिस्तान के आतंकी कौन कौन से आका हिला के रख दिए जाएंगे, क्योंकि एक ट्रेलर से ही हाफिज़ सैयद जो है हिल गया है। और 11 जनवरी को जब ये मूवी उड़ी रिलीज़ होगी, जिसके अंदर हमारे शूरवीर इंडियन आर्मी के कमांडोज जब एक गौरव गाथा लिखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक करके, और आपको एक पूरा प्रोजेक्शन की जाएगी बॉलीवुड इंडस्ट्री द्वारा, आपको भी पता चलेगा कि हमारे आर्मी के जवानों ने किस तरह से एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक को सरंजाम दिया था और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। बड़ी खबर यह है कि राजौरी में जो हमारे एक BSF के जवान शहीद हो गए, उसका बदला लिया है इंडियन आर्मी और BSF ने 5 बड़ी पाकिस्तान की चौकियां ध्वस्त कर दी हैं, जो कि एक करारा, एक मुंह तोड़ जवाब है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। अगर पाकिस्तान अपनी इन करतूतों से बाज नहीं आएगा तो वो दिन दूर नहीं जितने भी आतंकी कैंप या फिर जितने भी इनके षड्यंत्रकारी कैंप्स सीमा पार चल रहे हैं उनको हिंदुस्तान जो है जड़ से उखाड़ देगा। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।